दोस्तों, दो हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो में मैंने बहुत सारी एक्सप्लेनेशन दी थी कि भाई आईफोन 12 सीरीज जब लॉन्च होगा अक्टूबर या फिर मिड में एंड में जब लॉन्च होगा तब आईफोन 11 का प्राइस कट हो सकता है, उसके बाद आईफोन 10 डिसकंटिन्यू हो जाएगा और आईफोन 11 प्रो प्रो मैक्स भी डिसकंटिन्यू हो जाएंगे और आईफोन 11 बहुत कम प्राइस में मिलेगा आपको ऑफलाइन के मार्केट में और ऑनलाइन के मार्केट में मिलेगा और बहुत बेनिफिशियल फ़ोन होगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को बहुत पसंद किया था और एक तरीके से बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई वीडियो का पार्ट टू कहाँ है, लाओ भाई। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था कि भाई इसके ऊपर पार्ट टू लाऊंगा, पर आपकी डिमांड या फिर आपने उस वीडियो की रीच इतनी पहुंचा दी थी इसकी वजह से मैं उस वीडियो का पार्ट टू ला रहा हूं, या फिर ये वीडियो को उसका पार्ट टू बोल सकते हैं। और आईफोन 11 के बारे में बात नहीं करूंगा, बहुत सारे आईफोन्स के बारे में बात करूंगा, जैसे कि आईफोन 10R, आईफोन SE और आईफोन 10R से भी पुराने, मतलब ऑब्वियसली कुछ हैं आईफोन्स जो अभी भी रीसेल हो रहे हैं मार्केट में, वो क्या हमें सितंबर में लेना चाहिए, अक्टूबर में लेना चाहिए, तो भाई अक्टूबर में कब लेना चाहिए, मतलब ऑब्वियसली क्वेश्चन तो यही रहेगा ना कि भाई अक्टूबर के स्टार्टिंग मंथ में लूँ या फिर मिड में लूँ, एंड में लूँ, कब लूँ, तो उसके ऊपर आंसर्स देंगे। बहुत अच्छा वीडियो है, मतलब स्किप मत करना, आपके लिए बेनिफिशियल वीडियो है। अगर आपको कोई भी आईफोन खरीदना है फ्यूचर में तो आपको कौन सा खरीदना चाहिए उसके ऊपर भी सजेशन दूंगा। और दूसरी मेन बात की भाई ये जो वीडियो है ना सारे आईफोन्स के ऊपर मैं वीडियो में कवर अप करूंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा और जो भी वीडियो में जो भी चीज़ बताऊंगा ना वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। अगर आपको कोई भी आईफोन में कन्फ्यूजन है कि भाई मुझे 10R लेना चाहिए कि नहीं, आईफोन 11 लेना चाहिए कि नहीं, अगर आपका कुछ भी कन्फ्यूजन है तो वो भी एक तरीके से मैं क्लियर कर दूंगा। तो भाई लाइक बनता है, शेयर बनता है, सब्सक्राइब बनता है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है आईफोन के रिगार्डिंग कि भाई मुझे ये खरीदना है और मुझे आपसे अर्जेंटली मतलब फेस टू फेस बात करनी है, और अगर आपको मुझे एक मतलब लाइव स्ट्रीमिंग तो यूट्यूब पे नहीं कर सकता, सब्सक्राइबर्स इतने नहीं हैं पर हो जाएंगे इंशाल्लाह जल्दी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं। तो पिछला जो वीडियो था मतलब इसका पार्ट वन जो था उसमें बहुत क्वेश्चंस आए थे, उनमें से बेस्ट क्वेश्चन था कि भाई जो आईफोन 11 है अगर मेरे पास 55,000 का बजट है और अमेजोन पे अच्छी डील्स मिल रही है, फ्लिपकार्ट पे भी अच्छी खासी डील्स मिल रही है, तो मैं कहाँ से लूँ, उसका भी मैं आंसर दूंगा इस वीडियो में। पर उससे पहले ये बात थी भाई मैं उसे कौन से टाइम पे लूँ, मतलब अभी लूँ या फिर अक्टूबर 10 तक लूँ या फिर उसके बाद लूँ। सबसे पहली बात कि भाई आईफोन अगर आपको लेना है, 11 लेना है या फिर आपको 10R लेना है, आईफोन SE लेना है, कोई भी आईफोन लेना है ना, तो ये टाइम पे अगर आपको लेना है, अगर आपको मतलब ज़्यादा फीचर्स नहीं चाहिए, आपको एक डिसेंट सा आईफोन चाहिए जो लेटेस्ट हो पर अभी थोड़ा मतलब पुराना होने आया है, तो आप ले सकते हैं। अगर आप आईफोन 12 सीरीज के लॉन्च इवेंट तक वेट कर सकते हैं तो आप वेट करो, आपको बहुत अच्छी खासी रीसेल वैल्यू पे आपको अच्छे खासे आईफोन्स मिल जाएंगे ऑफलाइन मार्केट में, सेकेंड हैंड मार्केट में भी मिल जाएंगे और अनयूज जो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे वहाँ पर भी आपको अच्छे खासे ऑफर्स मिल जाएंगे। अभी सेल आने वाली अमेजोन और फ्लिपकार्ट की वापस से, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, नो डाउट अभी आप लोगे तो कोई उसमें बुराई नहीं है आईफोन 11 आईफोन SE, पर अगर आप मतलब आईफोन 12 आ जाएगा उसके बाद लोगे ना तो आपको बहुत अच्छे खासे प्राइस में मिलेंगे। दूसरी मेन बात की भाई अगर आपको आईफोन 10R आईफोन 11 लेना है तो दोनों में से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, कौन सा फ़ोन लूँ, कौन सा फ़ोन मेरे लिए बेनिफिशियल है, तो दोनों फ़ोन आपके प्रस्पेक्टिव के हिसाब से सही है। नॉर्मल कंज्यूमर या फिर एक डे टू डेली बेसिस में कौन क्या करता है भाई, एक फ़ोन में डे टू डेली बेसिस में फ़ोन में क्या यूज़ करते हैं, स्नैपचैट या फिर इंस्टाग्राम या फिर फ़ोन कॉलिंग, सोशल मीडिया कंजप्शन या फिर बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो आपको अगर लेना है तो आईफोन 10R भी अच्छा है, मतलब आईफोन 11 भी अच्छा है ऐसा नहीं है, पर दोनों अपने प्रस्पेक्टिव के हिसाब से सही है। पर अगर आपको एक अच्छा फ़ोन चाहिए जिसमें आपको बहुत सारे कैमरास चाहिए तो आईफोन 11 ज़्यादा अच्छा है, आईफोन 10R में भी आपको बहुत अच्छे कैमरास मिलते हैं पर वो थोड़ा उससे पुराना है, तो उसके हिसाब से अगर आईफोन 11 नहीं लेना, मतलब इतना पैसा क्यों वेस्ट करूँ, आईफोन 10R भी दिखता है सिमिलर आईफोन 11 जैसा, पर अगर आपको ज़्यादा कैमरास, ज़्यादा फीचर, ज़्यादा एडवांस चीज़ें चाहिए तो आईफोन 11 ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको आईफोन 10R भी लेना है तो आप ले सकते हैं, और सबसे मेन बात आईफोन 12 लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, वो भी फ़ोन उस प्राइस रेंज के हिसाब से सही रहेगा जो प्राइस में आएगा, और आईफोन 11 लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं, पुराना फ़ोन लेने में कोई हर्ज नहीं बनता, 2 साल पुराना आईफोन भी लोगे तो भाई कोई हर्ज नहीं बनता, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो भी आपको अच्छा खासा सॉफ्टवेयर अपडेट दे। अराउंड कुछ 2-3 दिन पहले मैं गया था सेकेंड हैंड मार्केट में जिसमें मेरे को आईफोन 10R 128GB या फिर 64GB दोनों की प्राइसिंग पता चली थी कि भाई 45,000
128 GB की, मतलब अनस्क्रैच था, 2-3 महीना यूज़ किया था उसने। और दूसरा जो फ़ोन था iPhone XR 64 GB, वो मिल रहा था 32,000 का और वो 6 महीना यूज़ किया हुआ था। अगर आप iPhone XR को iPhone 12 सीरीज के लॉन्च के बाद लोगे तो आपको कितने कॉस्ट में मिलेगा। तीसरी मेन बात है कि भाई अगर आपको iPhone ऐसे ही लेना है तो आप ले सकते हैं, अभी भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं। अगर आपको लेना है तो भाई आप Apple के ऑनलाइन स्टोर से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं भाई, उसके ऊपर अभी कोई प्राइस कट तो नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपको सेल्स में लेना है, डील्स मिलेंगी जब उसके ऊपर, तब आप ले सकते हैं क्योंकि आपको और अच्छी खासी कॉस्ट में मिलेगा। पर इसका एकदम प्राइस कट नहीं होने वाला क्योंकि इस फोन को लॉन्च हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। अभी इसका प्राइस जो है ना वो गिरता जा रहा है क्योंकि इसका जो प्राइस है वो फिक्स नहीं था। मतलब 30,000 का इंडिया में आता था पर वो 42,000 में सेल हो रहा था, तो भाई एप्पल ने उसका प्राइस कट किया है, तो भाई और प्राइस कट हो सकता है और आप दिवाली तक एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई उसका प्राइस और कम होगा। तो भाई अगर आपको iPhone XR से मतलब iPhone 7 लेना है तो आप ले सकते हैं, iPhone 7 ही आपको मैं रिकमेंडेशन दूंगा। iPhone 7 अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं और उससे पुराने फोन्स नहीं ले सकते आप क्योंकि वो बहुत कम सॉफ्टवेयर अपडेट देंगे। और ऊपर से iPhone 8 Plus भी ले सकते हो, इसके ऊपर कुछ ज़्यादा बात करने वाली बात नहीं है और वो भी आपको बहुत अच्छी खासी कॉस्ट में मिल जाएंगे ऑफलाइन मार्केट में, ऑनलाइन मार्केट में और सेकेंड हैंड मार्केट के हिसाब से। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो ज़रा अच्छी लगी हो या फिर बेनिफिशियल लगी हो कर देना शेयर, कर देना सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों बस फिलहाल इतना, वीडियो ज़रा लंबी नहीं करते, मिलते नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस।